हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एन के मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग एन के मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं इंग्लिश न्यूज़ कैसे पढ़ें, इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, हेडलाइंस कैसे समझें, इन सभी को हम समझेंगे। लेकिन मुख्य रूप से न्यूज़ हेडलाइंस को कैसे समझें, इसके लिए 10 रूल्स बताने जा रहे हैं। कितना? टोटल 10 रूल्स। और आप क्या करेंगे, इन सभी को स्क्रीनशॉट करते चलेंगे, क्योंकि अगर आप आज 10 मिनट खर्च करते हैं अपने जीवन का, आज के दिन भर में से 10 मिनट इस वीडियो को देखने में खर्च करते हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ सीखने जा रहे हैं। जब भी आपके हाथ में न्यूज़पेपर आता होगा, हेडलाइंस नहीं समझ में आता होगा, कई लोगों को समझ में नहीं आता है, अगर जो इस रूल्स को नहीं जानेगा उसे समझ में आएगा भी नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप टोटल 10 रूल्स को अभी सीखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, एक एक करके सेंटेंस को समझेंगे, और मुझे उम्मीद है इसके बाद न्यूज़ हेडलाइन से संबंधित आपके पास समस्या नहीं रह पाएगी। दूसरी बात यह है कि न्यूज़पेपर का जो बॉडी है, लीड्स है, कंक्लूजन है। किसी स्टोरी का 3 पार्ट होता है, खासकर न्यूज़ में हम लोगों ने मास्कम किया था, तो मुझे पता है, आपको बता रहा हूँ कि जो ऊपर में आप देखते हैं उसे लीड बोलते हैं। हेडलाइंस के नीचे 3-4 लाइन में होता है, 3-4 लाइन में पूरी स्टोरी बता दी जाती है। उसके बाद जो पढ़ते हैं उसे बॉडी बोलते हैं, न्यूज़ बॉडी, और सबसे लास्ट में कंक्लूजन दी हुई होती है। लेकिन अभी आपको सीखना है हेडलाइंस को कैसे समझे, तो चलिए हम देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, और वो है पास्ट इवेंट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आसान तरीके से हम आपको समझाना चाहते हैं, अगर कोई कार्य कल घटित हुआ तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में नहीं लिखेंगे। न्यूज़ हेडलाइंस में उसे पास्ट इंडेफिनिट में नहीं लिखा हुआ होगा, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ आप देखेंगे। कैसे? इंडिया विंस मैच। मान लीजिए कल इंडिया मैच खेला पाकिस्तान के साथ में और इंडिया जीत गई, तो फिर आप वॉन का प्रयोग नहीं देखेंगे, वहां पर देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब लिखा हुआ होगा, मतलब वी फॉल या फिर वी वॉन आप लिखा हुआ देखेंगे। उसी तरीके से इंडिया पिप्स पाकिस्तान। एक तो हेडलाइंस में शॉर्ट वर्ड, छोटा वर्ड यूज किया जाता है ताकि स्पेस कम ले, तो इंडिया पिप्स पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और मीनिंग क्या है, पास्ट का, इसको याद रखना है। सीएम मीट्स पीएम, मतलब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिले, यहां पर पास्ट मीनिंग हो गया, मतलब कल मिले होंगे, परसों मिले होंगे, लेकिन सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इस बात को याद रखेंगे। हेडलाइंस में सेंटेंस अगर पास्ट की है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाएगी। अब तो आपको ये याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन स्टेड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूअस में भी हेडलाइंस में नहीं लिखा रहता है, परफेक्ट टेंस भी हेडलाइंस में नहीं लिखा रहता है, मतलब CM is going to पटना दिल्ली ऐसे नहीं लिखा रहेगा, has gone to ऐसे नहीं लिखा रहेगा, उसे आप देखेंगे उसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा रहता है। जैसे देखते हैं, यहां पर देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट गियर्स अप टू काउंटर माओइस्ट थ्रेट, मतलब राज्य सरकार माओवादियों से सामना करने के लिए कमर कस चुकी है, तैयार हो चुकी है, अब ये माओवादी का सामना करेगी और माओवादी का सामना करने के लिए तैयार हो चुकी है। दूसरा देखते हैं, गवर्नमेंट मल्स ओवर प्राइस हाइक, मतलब सरकार मूल्य वृद्धि पर मनन चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है, मतलब कंटिन्यूअस में नहीं लिखा हुआ है, परफेक्ट में नहीं लिखा हुआ है, प्रेजेंट में ही लिखा हुआ है, तो इसे हम समझ लेंगे कि सरकार मनन चिंतन कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल्स आर ऑलवेज ड्रॉप्ड। हेडलाइंस में आर्टिकल्स ए एन और द का प्रयोग नहीं देखेंगे आप, हेडलाइंस में ए एन दी का प्रयोग नहीं देखेंगे आप, समझ लें। प्रेसिडेंट एड्रेसेस नेशन,
का मतलब है राष्ट्रपति ने देश का राष्ट्र का संबोधन किया। अब यहाँ पर देखेंगे द प्रेसिडेंट नहीं लिखा हुआ है, द नेशन नहीं लिखा हुआ है, आर्टिकल का यूज नहीं किया गया। सीएम मीट्स प्रेसिडेंट, अब यहाँ पर सीएम से पहले भी द होना चाहिए, द प्रेसिडेंट होनी चाहिए, लेकिन आर्टिकल का प्रयोग हेडलाइंस में नहीं होना चाहिए, बॉडी में होगा। न्यूज बॉडी में टोटल ग्रामर का यूज होगा लेकिन हेडलाइंस में नहीं होगा। ए स्टूडेंट किडनैप फ्रॉम पटना मॉल, अब यहाँ पर ए स्टूडेंट्स होनी चाहिए, एक स्टूडेंट को किडनैप कर लिया गया पटना मॉल से, तो यहाँ पर ए होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल को ड्रॉप कर लिया गया, नहीं यूज किया गया। तो इसी तरीके से टोटल 10 रूल्स को देख लेते हैं। तो चलिए, और नेक्स्ट रूल है वर्ब बी इज ड्रॉप्ड, मतलब इज आर एम वाज एंड वर को ड्रॉप कर दिया जाता है। आप हेडलाइन में इज आर एम वाज एंड वर को नहीं देखेंगे, क्या नहीं देखेंगे, वर्ब टू बी को हेडलाइंस में आप नहीं देखते हैं, छोड़ देना है, ड्रॉप कर देना है। सेंटेंस देखते हैं कोल्ड वेव, अब यहां पर देखेंगे कोल्ड वेव के बाद में यहां पर इज आना चाहिए, जैसे कोल्ड वेव इज लाइकली टू राइज, मतलब यह हुआ कि शीत लहर बढ़ने की संभावना है, मतलब ठंड बढ़ने की संभावना है। तो यहां पर वर्ब टू बी का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन हेडलाइन में यहां इज आर एम का प्रयोग, वाज वर का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट दीपिका पादुकोण इन न्यूज अगेन, मतलब दीपिका पादुकोण फिर चर्चा में है, और यहां पर इज का प्रयोग होना चाहिए, नहीं है, हेडलाइंस में नहीं होगा। दीपिका पादुकोण एंग्री विद मीडिया, दीपिका पादुकोण मीडिया से नाराज है, यहां पर इज होनी चाहिए, नहीं हुआ, मतलब यह है कि हेडलाइंस में इज आ रहा है, वॉज वेयर का प्रयोग नहीं होगा, और आपको समझ लेना है कि ये इसमें हेल्पिंग वर्ब हिडन है। चलिए नेक्स्ट है इन्फिनिटिव्स इन स्टेट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, मतलब भविष्य में कोई कार्य होने वाली है, कोई योजना लागू होने वाली है, तो उस कंडीशन में इन्फिनिटिव्स का ही यूज करेंगे। टू प्लस वी वन जैसे ही लिखा हुआ देखेंगे तो आप समझ लेंगे कि अब फ्यूचर इवेंट के बारे में बोल रहा है, फ्यूचर एक्शन के बारे में बोल रहा है। देखिए पीएम टू विजिट अमेरिका, मतलब पीएम अमेरिका जाने वाले हैं, पीएम अमेरिका जाएंगे, फ्यूचर इवेंट के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट टू बैन लीकर, राज्य सरकार शराब पर बंद करने वाली है, शराब को बंद करने वाली है, राज्य सरकार शराब को बंद करेगी, निषेध करेगी। तो जैसे ही आप इन्फिनिटिव को देख लेंगे तो आपको समझ जाना है कि फ्यूचर एक्शन के बारे में लिखा हुआ है, शैल विल का प्रयोग नहीं होता है। फिर से देखेंगे फ्यूचर एक्शन के लिए, फ्यूचर टेंस के लिए शैल विल का प्रयोग इसमें नहीं होगा, इन्फिनिटिव से काम चल जाता है। नेक्स्ट पास्ट इंडिफिनिट इन स्टेड ऑफ पैसिव एक्शन, अगर पास्ट में कोई कार्य किया गया ऐसा हुआ, मतलब जब भी पैसिव एक्शन की बात हो, पास्ट में पैसिव सेंटेंस की बात हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट लिख देंगे। सेंटेंस में हेडलाइंस में जैसे सब्जेक्ट वी टू लिखा हुआ आप देखेंगे तो आपको समझ जाना है कि ये पैसिव सेंटेंस है। कैसे टू किल, अब यहां पर देखेंगे वी टू लिखा हुआ है एंड थ्री इंजर्ड, फिर यहां पर वी टू लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया है। अब देखेंगे इसका मतलब हुआ दो मारे गए और तीन घायल हो गए। फिर से देखते हैं दूसरा, फाइव किल, पांच मारे गए, किसमें, इन बॉम्ब एक्सप्लोजन, बम विस्फोट में पांच मारे गए, पैसिव सेंटेंस है, इसमें वर का प्रयोग नहीं किया गया, यहां पर भी वर का प्रयोग नहीं किया गया, यहां पर भी वर का प्रयोग नहीं किया गया, मतलब पास्ट इंडिफिनिट लगता है लेकिन पैसिव सेंटेंस है, इज आर एम वाज एंड वर हिडन है। पुलिस मैन अटैक्ड, पुलिस बल पर हमला किया गया, तो यहां पर देखेंगे वाज वर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आपको समझना क्या है कि सब्जेक्ट वी टू जब लिखा हुआ रहे हेडलाइन में तो आप समझ जाएंगे यह पैसिव सेंटेंस है। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं, तो देख लेते हैं इसे भी और जानेंगे कि कई बार तो बिना वर्ब का ही हेडलाइंस आप देखेंगे, उसमें कोई वर्ब नहीं होगा। जैसे
जैसे यहाँ पर देखते हैं सेंटेंस विदाउट वर्ब, जैसे नो थ्रेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार को कोई खतरा नहीं, किसी बात से केंद्र सरकार को कोई खतरा नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज नहीं किया गया है। कमोशन इन बिहार असेंबली, मतलब बिहार विधानसभा में बहुत ही ज़्यादा हंगामा हुआ। तो यहाँ पर फिर देखेंगे कोई हेल्पिंग वर्ब का या फिर मेन वर्ब का यूज नहीं किया गया है। तो कभी कभी हेडलाइंस में वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया, नहीं किया जाएगा, और फिर भी आपको समझ लेना होगा कि इसका मीनिंग क्या हुआ। हूबहू सेंटेंस अब मीनिंग बतला रहा होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क फॉर अनसर्टेनिटी, मतलब ये है कभी कभी आप देखेंगे कि हेडलाइंस में क्वेश्चन मार्क भी होता है। अब उसके मीनिंग को आप क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे। यूपी गवर्नमेंट टू बैन ऑन लीकर, अब देखेंगे इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब ये हुआ क्या यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार शराब पर बैन करेगी, शराब पर रोक लगाएगी, बैन लगाएगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ, क्यों हुआ, हम क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्यों देंगे, फिर से समझिए। जिस चीज़ पर रिपोर्टर को अनसर्टेनिटी है, मतलब अनिश्चितता है, मतलब ये कि उसे सही से अनुमान नहीं है कि ये नियम लागू होगा या नहीं होगा, अगर ऐसी अवस्था है तो उसमें क्वेश्चन मार्क दे दिया जाता है। कोल्ड वेव टू राइज, क्या शीतलहर बढ़ेगी, ऐसी संभावना व्यक्त कर रहा है, क्या शीतलहर बढ़ जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है। कंफर्म नहीं है कि बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी, अनिश्चितता का बोध हो रहा है और इसीलिए क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है। नेक्स्ट है यूज कोलन फॉर सेड और सेड, जब भी किसी के स्टेटमेंट को बतलाना है तो वहाँ पर सेड या सेड हेडलाइंस में करने की कोई जरूरत नहीं है, आप कोलन का यूज करेंगे। टेररिस्ट्स टू बी एलिमिनेटेड पीएम, अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि आतंकवादियों का सफाया कर दिया जाएगा, किसने कहा, पीएम ने कहा। तो यहाँ पर कोलन के जगह पे सेड या सेड नहीं लिख करके हम सिर्फ कॉलन दे दिए और इसका मीनिंग हो गया। तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं, यूज सिंगल क्वोटेशन मार्क, मतलब आप देखते हैं कि क्वोटेशन मार्क ऐसे भी होता है, ऐसे डबल, लेकिन आपको सिंगल यूज करना है, न्यूज पेपर में हेडलाइंस में सिंगल यूज किया हुआ होता है और ये हेडलाइंस के लिए ऐसा रूल है। क्यों, क्योंकि कम से कम शब्दों में, कम से कम स्पेस में सब काम हो जाए, इसके लिए हर कुछ को शॉर्ट किया जाता है। पटनाज एयर वेरी पुअर अगेन का मतलब है कि पटना का जो एयर है फिर से क्वालिटी, जो गुणवत्ता है उसकी फिर कम हो गई, पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो वेरी पुअर। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर क्वोटेशन मार्क की जरूरत क्यों पड़े, इसको समझिए। रिपोर्टर अपने मन से नहीं बोल रहा है, वेरी पुअर ये जो वर्ड है ये मौसम विभाग के द्वारा कहा गया होगा, किसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा कहा गया होगा, किसी अधिकारी के द्वारा कहा गया होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्वोटेशन मार्क का प्रयोग किया गया है ताकि लोग समझे कि कोई अधिकारी ने बोला। नेक्स्ट है फी हाइक इशू सॉर्टेड का मतलब है कि फीस में जो वृद्धि कर दी गई है ये मामला को सॉर्ट आउट कर दिया गया है, सुलझा लिया गया है। तो यहाँ पर सॉर्टेड का मतलब ये हुआ कि रिपोर्टर खुद नहीं बोल रहा है बल्कि ये स्टेटमेंट किसी अधिकारी का है, तो इसलिए क्वोटेशन मार्क का यूज किया गया है, लेकिन क्वोटेशन मार्क सिंगल करेंगे, डबल नहीं। तो अब करना क्या है कि इसी तरीके से अब न्यूज़पेपर लीजिए और एक एक सेंटेंस जो हेडलाइन है उसको समझने का प्रयास कीजिए। ये फर्स्ट स्टेज है न्यूज़पेपर पर कमांड करने का। तो इस वीडियो को फिर से देखिए और एक एक सेंटेंस को समझिए, स्क्रीनशॉट तो ज़रूर फिर से कर लीजिए ताकि आप इसे रेगुलर पढ़ें, स्टडी करें और इसे कमांड करके छोड़ें। तो चलिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग देखें और सीखें। इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।